हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मीठा नींबू का अचार। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे पूरी व पराठे के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो चलिए इस अचार को बनाना शुरू करते हैं। नींबू का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ नींबू लिया है, 5 नींबू मैंने लिया है और मैंने इसे धो के अच्छे से सुखा लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इसके दाने निकाल देंगे। अब हम नींबू के 8 पीस कर लेंगे। आप चाहे तो इसके 4 पीस भी कर सकते हैं। इसी तरह हम सारे नींबू को काट लेंगे। नींबू को हमने काट दिया है। अब हम इसमें नमक मिला देंगे और इसमें 1 चम्मच के लगभग हल्दी मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम नींबू को डिब्बे में भर के 1 हफ्ते के लिए रख देंगे। एक हफ्ते हो चुके हैं, तो चलिए अब अचार बनाने की हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो मैंने यहाँ गैस पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच अजवाइन डाल देंगे और इसे भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अजवाइन हमारी भुन चुकी है, इसमें अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम 1 कटोरी गुड़ डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। गुड़ की क्वांटिटी हमें थोड़ा कम लग रही है, तो इसमें हम थोड़ा सा और गुड़ डाल देंगे, थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए उबाल लेंगे। अब हमने 2 बड़ी इलायची को छील के उसका दाना निकाल लिया है। हम इसे दरदरा पीस लेंगे और हमने अजवाइन को भी पीस के इसका पाउडर बना लिया है। इसका यूज हम अचार में करेंगे। गुड़ की चाशनी भी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए चिपकना शुरू हो गई है और इसमें कोई तार की आवश्यकता नहीं है कि इसमें तार आना ज़रूरी है। अब हमने जो नींबू को 1 हफ्ते के लिए रख दिया था, ये हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया है। हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम चाशनी में कूटी हुई बड़ी इलायची के दाने डाल देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, पिसी हुई अजवाइन डाल देंगे, 2 चम्मच काला नमक डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसमें नींबू ऐड कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अचार हमारा बन चुका है। अब हम इसे कटोरी में निकाल के आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा अचार कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।